मेवात जिले में कोरोना योद्धाओं के लगातार पॉजिटिव आने तथा पिछले 6 महीने से दिन रात सेवाएं दे रहे डॉक्टर व अन्य स्टाफ को शारीरिक व दिमागी रूप से आराम देने के मकसद से अब CHO डेंटल सर्जन तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लगे डॉक्टरों को भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रैपिड एंटीजन किट के बारे में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह जानकारी जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने पत्रकारों को दी। अरविंद कुमार ने कहा है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डेंटल सर्जन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले में 60-70 अधिकारी तैनात हैं। उन्होंने कहा है कि इनका अभी तक कोरोना में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था, लेकिन पिछले 6 महीने से लगातार सेवाएं दे रहे डॉक्टर व स्टाफ को आराम देने के साथ साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी तैनात हैं। उन्होंने कहा है कि रैपिड एंटीजन किट के बारे में बारीकी से जानकारी दी जा रही है। सोमवार तथा मंगलवार को अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से नलहड़ मेडिकल कॉलेज के अलावा स्वास्थ्यवाक नूह के डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन इत्यादि लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे। इसके अलावा जिले में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे सूरत में अगर ज़्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ी तो CHO डेंटल सर्जन इत्यादि सैंपल ले सकेगा, ताकि समय पर कोरोना पॉजिटिव रोगियों की पहचान होने के बाद समय रहते उनका इलाज किया जा सके। कुल मिलाकर अब इस योजना के बाद न केवल सैंपल लेने में तेजी आएगी, बल्कि काफ़ी दिनों से दिन रात कोरोना महामारी से निपटने के लिए काम कर रहे स्टाफ को भी दिमागी व शारीरिक रूप से आराम मिल सकेगा। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। रैपिड एंटीजन का टेस्ट जब शुरू हुआ था तो इसके लिए एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी स्टेट से। इसमें 2 स्टाफ नर्स, 2 लैब टेक्नीशियन, 1 डॉक्टर और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पोर्टल पे अपलोड करेगा। तो एक टीम में 6 कम से कम बंदे हों, सैंपल लेने वाले, पेशेंट की हिस्ट्री लेने वाला, उसका फॉर्म भरने वाला, फिर उस सैंपल को लगाने वाला। इसके लिए एक AC रूम की ज़रूरत होती है और विद इन हाफ आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर सैंपल लेने के बाद उस टेस्ट को कंडक्ट करना होता है, नहीं तो सैंपल ख़राब हो जाता है, टेस्ट इनवैलिड हो जाता है। अब हमारे ज़िले में रैपिड एंटीजन ऑलमोस्ट 15 या 16 जगह, RT-PCR 4-5 जगह, और इसके लिए मैन पावर भी चाहिए। और पिछले कुछ दिनों में हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, चाहे डॉक्टर हों, चाहे लैब टेक्नीशियन हों, स्टाफ नर्सेज हों, काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज में लड़के थे या हमारे थे। स्टाफ नर्सेज डिलीवरी के काम में बिजी हैं, उनको हम स्पेयर नहीं कर पाए, तो पहले ही 2 की मैन पावर हमारी इस टीम से कम हो गई थी। अब 2 LT बच्चे और 1 IA बच्चा और 1 डॉक्टर। अब इसमें से भी लैब टेक्नीशियन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, तो हमारे सैम्पलिंग की क्वांटिटी पर फ़र्क पड़ता है, क्वालिटी पर भी फ़र्क पड़ता है। तो उसको देखते हुए हमने जो CHOs हैं, जो हमारी दूसरी फोर्स है, डेंटल सर्जन्स हैं और इसके अलावा जो RBSK के टीम के जो डॉक्टर्स हैं, उनको हम ट्रेंड कर रहे हैं, ताकि विपरीत परिस्थितियों में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमारा प्लान बी और टीम बी तैयार रहे। दूसरा कि हम 7 के 7 दिन काम कर रहे हैं, तो ये कैंपेन मोड पे नहीं है, लंबा चलने वाला है, 6 महीने से ज़्यादा, जनवरी से लगा लीजिए आप, 8 महीने से ज़्यादा हो गए, 9 महीना है। तो जो ये हेल्थ के जो केयर प्रोवाइडर हैं या काम कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर, इनको भी आराम चाहिए दिन में, हफ्ते में एक दिन। तो दोनों तीनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम इनको तैयार कर रहे हैं। आज और कल इनकी ट्रेनिंग रखी हुई है हमने, उसके बाद फिर इनके जो SMOs हैं वो इनको अपने हिसाब से यूटिलाइज करेंगे।